पोहा और सूजी का बड़ा बनाएंगे। एक दो छोटे प्याज है और एक बड़ा, और एक टमाटर है, और एक आधा 1 इंच अदरक है, एक 10-12 कलियां लहसुन है, और दो हरी मिर्च है, और ये धनिया है, एक करी पत्ता है, एक कटोरी दही है, ये 250 ग्राम पोहा है, और ये सूजी है। कद्दूकस कर लेंगे। अब प्याज को बारीक काट लेंगे और लहसुन को भी बारीक काट लेंगे। अदरक लहसुन और प्याज को सब बारीक काट लेंगे और टमाटर को कद्दूकस करें। अब पोहा को धो के 2 मिनट तक रखेंगे, जो अच्छी तरह से फूल गया है। अब हम इसको मिक्सी में डाल के इसको पीसेंगे, दलदरा पीसेंगे। ये हल्का फुल्का नाश्ता बहुत टेस्टी होता है सुबह के लिए। सूजी डालेंगे 1 कटोरी, और फिर इसी में हम दही डालेंगे। ये करी पत्ता डालेंगे, आधा चम्मच नमक स्वाद के अनुसार, इसको हमने पीस लिया है, वो भी पेस्ट नहीं बनाया, दरदरा पीसा है, इसको निकाल लेंगे। इस छतों में प्लेट में हमने तेल लगा के रख दिया है। नींबू की आकार का बाल लेंगे, हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लिए हैं, इसी तरह से रखते जाएंगे। एक बार और बना के दिखा रही हूँ, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो इसको बाल बनाया और इसको थोड़ा सा फैलाया और बीच से ऐसे कर दिया, हो गया। इसी तरह से सारे गाढ़ा बनाकर हम इसको स्टीम कर लेंगे 15 मिनट के लिए। बनके तैयार हो गया है, अब इसको स्टीम करेंगे 15 मिनट के लिए। पानी हमने पहले से रख दिया है, ठंडा कर लेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा तब तक हम गरम होने के लिए कढ़ाई गरम हो गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे, अब हम इसमें जीरा डालेंगे, और इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो काटी हो उसको डालेंगे। हो गया है, अब इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे।
थोड़ा सा नमक, धीमी आंच पे इसको 5 मिनट तक भूनेंगे। प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो गया, अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और देगी मिर्च कलर के लिए अच्छा सा, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। दही डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि मसाला जले नहीं। सब मिर्च डाल देते हैं, अच्छी तरह से मिला दें। अभी जो बड़ा है ना, इसको इसी में डालते हैं। डालकर इसको अच्छी तरह से मिलाते हैं। बारीक कटा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा मैजिक मसाला, सब डाल के एक साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे।